राष्ट्रीय महिला कवि मंच द्वारा सोलन में कवि संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कई महिला व पुरुषों ने अपनी कविता के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस संगोष्ठी में वरिष्ठ कवि विनोद रोहतगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस संगोष्ठी के दौरान पहाड़ी, पंजाबी, हिंदी व उर्दू में कविताएं प्रस्तुत की गईं। इस दौरान डॉक्टर मनजीत की लिखी किताब का हिंदी अनुवाद आपका स्वास्थ्य का भी विमोचन किया गया। मौसम दे फुल रंग न्यारे अपने ने, सावन रुत्तां पींग हुलारे अपने ने, दरिया नदियां नहर किनारे अपने ने, दरिया नदियां नहर किनारे अपने ने, जे तू अपना है जे तू अपना नहीं ते कुछ भी अपना नहीं। के एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें बहुत से वरिष्ठ साहित्यकार उपस्थित रहे। मुझे भी एक शायर के रूप में यहाँ आमंत्रित किया गया था। गोष्ठी बहुत ही आसमान को अपने आसमान को छूने लायक गोष्ठी हुई है। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार सोलन के उषा आनंद मैम जी, उन्होंने इस गोष्ठी का की अध्यक्षता की है और सबने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी, पहाड़ी में भाषा में, उर्दू भाषा में, पंजाबी तक के बहुत। डॉक्टर मनजीत बल जी ने यहाँ पे पंजाबी का एक गीत सुनाया और भी सारे साहित्यकारों ने बहुत अच्छा इस गोष्ठी में प्रदर्शन किया। तो इस राष्ट्रीय महिला काव्य मंच का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है प्रतिभाओं को सामने लाना एवं महिलाओं के अंदर छिपी काव्य चेतना को बाहर लाना है और युवाओं को मंच प्रदान करना है, इसका हमारा मुख्य उद्देश्य है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट।